नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं पीवीसी डोर के बारे में, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत जरूरी टॉपिक है दोस्तों आप सभी के लिए। अगर आप अपना घर बना रहे हो और ऐसे में मैक्सिमम जो पीवीसी डोर जो है हमारे बाथरूम में यूज होता है, मैक्सिमम लोग बाथरूम में लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों बाथरूम में बहुत ज्यादा पानी का यूज होता है, तो वहां पे अगर हम लकड़ी का लगाएंगे तो वो सड़ जाएगा और लोहे का लगाएंगे तो वो गल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप पीवीसी डोर यूज करते हो तो वहां पे आपका वो गलता नहीं है, सड़ता नहीं है, प्लस दोस्तों बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है और हमेशा वो चमकता रहता है, उसमें बार बार पेंट कराने का झंझट नहीं, और दिखने में दोस्तों एक से एक डिजाइन के आपको मिलेंगे, रॉयल लुक और इसमें पुराना लुक, ट्रेडिशनल लुक, सारे लुक मिलेंगे, सारे कलर मिलेंगे आपको। अरे कहना क्या चाहते हो। प्लस दोस्तों अब धीरे धीरे से टाइम बीत रहा है तो वैसे पीवीसी डोर में भी सुधार होता जा रहा है। अब पीवीसी डोर भी बहुत सारे तरीके के आने लगे हैं, इसमें से खासकर जो मेनली जो आप घर में यूज कर सकते हैं, दो तरह के डोर आते हैं, एक तो आता है दोस्तों होलो डोर और एक आता है सॉलिड पीवीसी डोर। अब इन दोनों में से आपको कहां कौन सा यूज करना उसका थोड़ा डिटेलिंग जानेंगे, प्लस इनके कॉस्ट के बारे में जानेंगे, प्लस दोस्तों थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, और साथ में आप जब भी दुकान पे लेने जाएंगे तो वहां पे आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इस टॉपिक के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, जब भी हम अपने घर के दरवाजे लगवाने वाले होते हैं, खासकर हम 1000 square feet हो या ऐसे थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो इनमें अगर हम दरवाजा लगाने की सोचते हैं तो कैसा भी दरवाजा लगाएं, चाहे हम लोहे का लगाएं चाहे लकड़ी का लगाएं, तो आराम से हमारा जो खर्चा है वो आपका 60,000 से शुरू होकर के 1-1.5 lakh तक पहुंच जाता है। आप अच्छे से अच्छे लकड़ी का लगवाएंगे चाहे लोहे का लगवाएंगे, सब कुछ मिक्स करके लगवाएंगे, तो भी आपका खर्चा आराम से इतना बैठ जाता है। लेकिन अगर आप वहीं पे प्लास्टिक का दरवाजा यूज करते हो, मतलब पीवीसी का डोर यूज करते हो, तो आपका खर्चा जो है वो आपका 20 से 25,000 तक में आप पूरे घर का दरवाजा आपका लग जाएगा। तो यहां पे बात यह हो जाती है कि सबसे पहले बात कर लेते हैं होलो डोर के बारे में। होलो डोर क्या होता है, आपका यहाँ पे ऊपर परत, निचली परत, बीच में दोस्तों खाली होता है, बीच में बिल्कुल ही होलो होता है, मगर दोस्तों ये थोड़ा सा कम ड्यूरेबल होता है, मगर डिजाइन पैटर्न लुक में आपका कोई कमी नहीं होती। यहाँ पे आपको एक से एक डिजाइन मिलेंगे, एक से एक देखने के लिए पैटर्न मिलेंगे, वुडन कलर में मिल जाएगा, आपको देखने में बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि वो लकड़ी का है या प्लास्टिक का है, इस तरह के डिजाइन मिल जाते हैं, इसमें पैटर्न बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ऐसे में आजकल पीवीसी डोर जो होता है लोग धीरे धीरे अब घरों में भी यूज करने लगे हैं, खासकर आप रूम में कमरे में यूज कर ही सकते हैं जहां पार्टी, जहां मेन डोर नहीं है, क्योंकि मेन डोर पे लोग नॉर्मली पीवीसी डोर लगाना पसंद नहीं करते, पीवीसी डोर जल्दी टूटने फूटने और का डर रहता है। लेकिन दोस्तों पीवीसी डोर जो है ना तो कभी गलेगा, ना उसमें बार बार पेंटिंग कराने का खर्चा, ना बार बार उसमें डेंटिंग का खर्चा, कुछ भी नहीं, मगर पीवीसी डोर आपको बहुत लॉन्ग टर्म चलता है। तो इसलिए दोस्तों पीवीसी डोर बहुत अच्छे डोरों में से हो जाता है। इस टाइम पे हम बात कर रहे थे यहाँ पे होलो डोर के बारे में। होलो डोर में सबसे बड़ा जो घाटा है यही है, उसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी कम है। अगर आपको घर में यूज करना है बाथरूम के अलावा तो आप यहाँ पे होलो डोर को ना ही यूज करें। मैं कहता हूं कि बाथरूम में भी कोशिश करें होलो डोर को यूज ना करें। हाँ, आपका बजट बहुत कम है और तत्काल तौर पे आपको दरवाजा लगाना है तो वहां पे आप पीवीसी होलो डोर की तरफ जा सकते हैं, जो कि आपको बहुत सस्ता पड़ता है, जो कि नॉर्मली आपको 130 से लेकर 150 रुपए square feet में बहुत आराम से मिल जाता है, और बाकी आपका अच्छे क्वालिटी पे डिपेंड करता है, और अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो और इससे ऊपर भी जा सकता है और इससे नीचे भी जा सकता है। तो ऐसे होलो डोर में आपको पता लग गया कि क्या कमियां हैं। होलो डोर में सबसे बड़ी कमी जो है, एक पॉइंट में अगर उसको बोला जाए तो उसमें वो थोड़ा सा कमजोर होता है, उसके बीच में कुछ नहीं होता है, ऊपर की परत होती है, नीचे की परत होती है, और बीच में वो खाली होता है, ये 25 mm से लेकर 40 mm मोटा तक आता है, लेकिन उसके बीच में जो तो ये खाली होता है, जिस कारण से होता क्या है, अगर आप बहुत तेज आपका हाथ लग गया, अगर बहुत तेज आपका पांव लग गया, या पेंसिल से अगर उस पर हल्का सा मार दिया तो इसमें छेद होने का डर रहता है, टूटने का डर रहता है, तो इसलिए होलो डोर थोड़ा सा कमजोर होता है, इसको प्रीफर ना करें। लेकिन पहले बहुत सारे लोग प्रीफर करते थे होलो डोर पीवीसी लगाना। हमारे घर में खुद आज तक 10 साल से पिछले होलो डोर लगा हुआ है पीवीसी का, जो कि जिसमें कि कुछ भी एक खरोच तक नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके घर में ऐसा है कि डोर में ज्यादा ना तो हाथ पांव लगने का डर है, ना कोई बहुत ज्यादा बच्चे हैं घर में जो कि आपका बहुत ज्यादा दरवाजे पीटेंगे, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पीवीसी डोर, होलो पीवीसी डोर लगा सकते हो, आपको सस्ता भी पड़ेगा, डिजाइन भी एक से एक मिल जाएंगे, डिजाइन आप देख करके बहुत अच्छे से डिजाइन लगा सकते हो, इसमें 3D और 2D अच्छे से डिजाइन आते हैं जो कि आप देख करके लगा सकते हो। अब बात कर लेते हैं सॉलिड पीवीसी डोर।
सॉलिड पीवीसी डोर दोस्तों इसमें भी लगभग सेम वैसा ही है, डिजाइन आपका बिल्कुल वैसे के वैसे मिल जाएंगे, बहुत सारे डिजाइन पैटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा कि लकड़ी का डोर है या प्लास्टिक का डोर है, ऐसे ऐसे पैटर्न मिल जाएंगे। प्लस थोड़ा सा सॉलिड पीवीसी डोर में एक बेनिफिट क्या हो जाता है कि ये सॉलिड डोर होता है इसमें दोस्तों, जैसे हॉलो डोर में भी इसमें छेद था बीच में खाली जगह होती थी, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सॉलिड होता है, ऊपर से नीचे तक पूरा प्रॉपर प्लास्टिक का दरवाजा होता है ये, और इसमें आपका थोड़ा सा मजबूत होता है ये हॉलो पीवीसी डोर से। तो इसको आप अगर कमरे में, बाथरूम में, जहां आपको प्रिफर कर सके उस जगह पर लगाना चाहते हैं तो वहां पर आप लगा सकते हैं। इसका रेट आपका 160 रुपए से शुरू होकर के 200 रुपए तक जाता है, और बाकी क्वालिटी और डिजाइन वाइज इसका रेट बढ़ता चला जाता है। इसमें 2D 3D 3D डिजाइन आपका 200 रुपए से स्टार्टिंग होते हैं इसके, तो ये इनके रेट्स हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपको खरीदते टाइम पे क्या ध्यान रखना है, आपको कितने का दरवाजा आपको पढ़ना चाहिए, चाहे होलो हो, चाहे आपका पीवीसी, चाहे सॉलिड पीवीसी डोर हो। अब दोस्तों जैसे कि कॉपी पेन पे हम आ चुके हैं, नॉर्मली जो हमारा बाथरूम का डोर है वो 6 फुट बाई 2.5 फुट का होता है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे अपने आप जिस भी घर का, जिस भी कमरे का एरिया प्लस उसका प्राइस निकालना चाहें उस दरवाजे का, तो ऐसे ही आप निकाल सकते हो। अगर ये मैं एक दरवाजा निकाल के बता रहा हूँ, इसी तरह अगर आपका एक दरवाजे का प्राइस निकल जाएगा तो आपको उसको 4 दरवाजे मल्टीप्लाई कर दो, 4 दरवाजे का प्राइस निकल जाएगा। अब इस कॉस्ट से आपको मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा, और अगर आपको फर्क पड़ेगा अभी तो ज़्यादा 5-10 रुपये का ऊपर नीचे फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और मैक्सिमम यही कॉस्ट आपको हर जगह आपको मिलेगा। अब यहाँ होलो डोर का जो प्राइस है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि 130-150 रुपये स्क्वायर फुट के में आपको जो है आपको मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर लेते हो होलो डोर 2.5 फुट बाई 6 फुट का, तो दोस्तों इसका जो ये डोर है तो इसका प्राइस आपको पड़ेगा, सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे डोर का, कितना एरिया हुआ, तो वो आपको होगा आपका 2.5 फुट × 6 फुट, इसका एरिया निकाल लिया हमने तो इसका हमारा आ गया वो 15 स्क्वायर फुट आ गया, 15 स्क्वायर फुट हमारा ये एरिया आ गया। उसके बाद अगर अब हमें इसका प्राइस निकालना है तो हमारा एरिया इनटू प्राइस, अब इसका प्राइस कितना है हमारा, जो मैंने जैसे आपको बताया था 130 से लेकर 150 रुपये के बीच में आपका इसका प्राइस होता है, ठीक ठाक हमने थोड़ा ठीक से क्वालिटी का अगर हम इसका डोर लेते हैं तो ये आपका यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमें 140 का आपने प्राइस लगाया है, 140 रुपये के हिसाब से अगर आप प्राइस लगाते हो तो 15 जो स्क्वायर फुट है मतलब एक दरवाजे का जो आपका ये 2.5 बाई 6 का है वो आपका निकल जाएगा 2100 रुपये में आपका दरवाजा हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ समझ सकते हो इस पूरी को पूरी ढंग से। अब होता क्या है, बहुत बार आप दुकान पे जाते हो तो वहाँ पे आपको चाहे होलो हो चाहे आपका सॉलिड डोर हो, वहाँ पे आपको दुकानदार बोलेगा भाई ये डोर जो है हमारा वो है आपका 1000 रुपये का, दूसरा डोर हमारा 2000 रुपये का, दूसरा तीसरा डिजाइन दिखाया उसने हमारा वो बताया 3000 रुपये का, चौथा वगैरह दिखाया उसने 4000 रुपये का, पांचवा दिखाया उसने 5000 रुपये का, तो ऐसे में अगर अलग अलग दिखाएगा। बट दोस्तों आप कोशिश कीजिए वहाँ पर दुकानदार को बोलिए कि हमें जो आप डोर दिखा रहे हो वो स्क्वायर फुट में दिखाए, अगर एग्जैक्टली स्क्वायर फुट में आपको देता है तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होने की संभावना बहुत कम रहती है, आपको एग्जैक्टली डिज़ाइन पैटर्न वाइज समझ में आ जाएगा कि कौन सा दरवाज़ा आपका कितने का पड़ेगा और आप सही दरवाज़ा ले पाओगे, नहीं तो बहुत बार क्या दुकानदार आपको कन्फ्यूज़ करा करके आपको उल्टा सीधा दरवाज़ा पकड़ा देता है जिसमें आपको गलत दरवाजा भी आप ले लेते हो गलती से। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें जब भी आप डोर ले रहे हो तो उसका आप पहले स्क्वायर फुट में रेट पूछें और कोशिश करें कि स्क्वायर फुट में ही लें, स्क्वायर फुट में सारे डोर्स अपने देखें। अब दूसरे डोर के ऊपर आते हैं, वो होता है आपका सॉलिड पीवीसी डोर। अब सॉलिड पीवीसी डोर का रेट जैसे कि मैंने आपको बताया था वहां पे 160 रुपए से स्टार्ट होकर के 200 रुपए तक जाता है, तो यह सिंपल सॉलिड पीवीसी डोर का रेट है दोस्तों। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस पीवीसी डोर को लगाने के बाद आपको कोई दिक्कत आने वाली, जैसे मैं बताया कि बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग मजबूत पीवीसी डोर होते हैं तो ये आप लगा सकते हो, लेकिन इसमें एक ऑप्शन और आता है सॉलिड पीवीसी डोर में, तो यहाँ पे सॉलिड पीवीसी में भी आता है और उसमें भी आता है, और उस ऑप्शन की तरफ आप जाते हो तो वहाँ पे आपको प्राइस थोड़ा सा ऊपर देखना पड़ेगा, क्वालिटी में थोड़ा सा ऊपर जाओगे थोड़ा सा प्राइस आपको देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको भी लगा लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल डिज़ाइन में आते हैं और अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे, वुडन कलर में, आपको टाइल्स कलर में और अलग अलग वेरिएशन में मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर आप 3D डिज़ाइन में जाते हो तो वहाँ पे आपको क्या होगा 200+ रेट लगेगा, वहाँ पर आपको 200+ में लगेगा, उसमें जैसा डिज़ाइन होगा जैसा क्वालिटी होगी उस हिसाब से आपका 300+ में वो रेट चला जाएगा। लेकिन नॉर्मली हम जो है मैक्सिमम मैंने देखा है कि लोग यही यूज़ करते हैं, पीवीसी में ज़्यादा खर्चा करना लोग पसंद नहीं करते, अगर ज़्यादा खर्चा करना ही है तो एक अच्छे खासे डोर के ऊपर खर्चा करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पर सॉलिड पीवीसी डोर यूज़ किया है
तो सॉलिड पीवीसी डोर जो है, अगर इसका एरिया मैंने वही सेम बाथरूम के दरवाजे का लिया है 2.5 फुट बाय 6 फुट का, और इसका हमारा निकल गया 15 square foot इसका एरिया निकल गया। अब हम इसका प्राइस निकाला तो हमने एरिया इनटू प्राइस किया, एरिया हमारा हो गया 15 square foot दरवाजे का जो हो गया इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, और उसके बाद जो हमारा रेट है हमने 180 का मोटा मोटा पकड़ा, जो कि मैंने बताया आपका 160 से 200 के बीच में, लेकिन आपको यहाँ पे एक ठीक ठाक अच्छे क्वालिटी का आपको 180 रुपये तक में मिल जाएगा। आप 160 के आसपास वाला थोड़ा सा कमी खरीदेंगे उसमें थोड़ा सा क्वालिटी का डिफरेंस हो जाता है, तो यहाँ पे 180 का हमने मोटा मोटा पकड़ा, जो कि हमारा दरवाज़ा पड़ गया यहाँ पे 2700 रुपये का। तो 2700 रुपये में एक आपको अच्छा खासा सॉलिड पीवीसी डोर मिल जाएगा। इस तरह से दोस्तों अगर आप चाहें तो अपना घर के दरवाजों में जो कि आपके कमरों के दरवाजे हैं वहाँ पे आप ऐसे खर्चे को कम कर सकते हैं। नॉर्मली मेन डोर जो है अच्छे हैवी क्वालिटी का यूज़ कर लीजिए, और साथ में आप कमरों का डोर जो है वहाँ पे नॉर्मली पार्टीशन और ढकने के लिए नॉर्मली प्राइवेसी के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें आप यहाँ पीवीसी डोर लगा करके अपना खर्चा कम कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, अपने जो भी राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।